फौजी जवान को पकड़ा और जबरन कर दिया शादी, पकड़ लिया। नया लड़का था, नई नई भर्ती हुई थी, उत्साह था, गया था पूजा करने और लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ करके और तान दिया। लठैत भी थे, बंदूक भी उनके साथ थी, सेना का जवान कुछ नहीं कर पाया। यह शादी संगीनों के साये में संपन्न हुई। साक्षी थे बर बधू पक्ष के लोग, बर नहीं, बर में तो केवल बर था, बर माने नौसा, इसे या फारसी चाहे उर्दू का शब्द होगा नौसा, और इसे बर भी कहते हैं। केवल बर था और बधू पक्ष के तमाम लोग थे, और यदि कोई अन्य साक्षी के रूप में था तो वह भगवान थे। तो दोस्तों, और संगीन के साये में यह शादी तय हुई। हताश निराश और लाचार फौजी, जैसे जैसे पंडित जी कहते थे तदेव लग्नम सुदिनम तो देव तारा बलम चंद्रदेव बलम तो देव, तो ऐसे चलिए अक्षत लीजिए, संकल्प लीजिए, तो वह संकल्प लेता था। फिर ऐसे फेंकिए तो वह फेंकता था। अब सात फेरे घूमना है यह बोलना है तो वह करता था। यदि दाएँ बाएँ करता था तो संगीने बंदूकें तन जाती थी, दिमाग खराब है तुम्हारा, चल। अब बेचारे की ट्रेनिंग और सारा कुछ सेना का भूल गया था, आए फंसे, फंस गया था। अब आ गया सिंदूर डालने का मामला। पंडित जी ने कहा, सिंदूर उठाओ और मांग भरो, यह तुम्हारी पत्नी है, यह तुम्हारी अर्धांगिनी है, जिसके साथ साथ फेरे लगा रहे हो। बेचारा दाएं बाएं किया तो लठैत और बंदूकधारी लोगों ने कहा, दिमाग खराब है, चल उठा, मांग में सिंदूर डाल। जिस पत्नी को कभी देखा नहीं, कभी उसके बारे में जाना नहीं, यह भी नहीं जानता वह गूंगी है बहरी है और उसने पढ़ाई कितने तक किया है, हमारे लायक है कि नहीं है, उसके साथ संबंध हो गया, जबरन रिश्ता स्थापित कर दिया गया। पंडित जी ने मंत्र बोला, लठैतों की लाठी के धौंस और बंदूकों के साये में फौजी ने मांग में सिंदूर भरा और शादी हो गई। फिर क्या था, इस रस्म को पूरा किया गया और फिर रात हुई। रात को फौजी के साथ बातचीत की गई, मंगल के गीत गाए गए, दुल्हा दुल्हन को एक साथ बैठाया गया। फौजी बेचारा करे क्या, फौजी ने जो किया रात के अंधेरे में उसे जान करके आप दंग हो जाएंगे। मैं उसे बता रहा हूँ दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है। आपको हमारे वीडियो अच्छे भी लगते हैं, हमारा प्रशंसा भी करते हैं आप, तो मैं चाहूँगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा उत्साह वर्धन करें। फौजी की दशा ऐसी थी जैसे वो अपनी सैनिक टुकड़ी से बिछड़कर शत्रुओं के चंगुल में हो गया हो, जैसे भारत का कोई फौजी पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया हो और पाकिस्तान के फौजी और वहां के लोगों ने घेर लिया हो, उसकी जान अब आफत में पड़ गया हो। हम आपको ले चलते हैं बिहार के नवादा जिले में, जहाँ रेवरा गाँव स्थित चंद्र मलेश्वर सिंह के बेटे रविकांत और लखीसराय जिले के चौकी गांव स्थित विपिन सिंह की बेटी वंदना की शादी पकड़ौवा विवाह के तहत की गई। क्या है पकड़ौवा, पकड़ा और विवाह कर दिया, पकड़ौवा विवाह के तहत की गई। यह मामला फैमिली कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय तक पहुंचा और उच्च न्यायालय के बाद अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। फैमिली कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर अपील की जाएगी, इसे बताने से पहले आपको बताना यह जरूरी है कि पकड़ौवा विवाह क्या है। पकड़ौवा विवाह यानी जिसका भी पता लगेगा कि फला गांव में फला लड़का नौकरी में आ गया है, अच्छा व्यवसाय कर रहा है, उसका भविष्य उज्जवल है। तो पहले बिहार में लठैत होते थे, भैया क्षमा करिएगा बिहार के लोगों, अपना अनुभव भी साझा करिएगा, उत्तरी बिहार में विशेष रूप से इस प्रकार की घटनाएं होती थी। हमारे यूपी में भी घटनाएं हुई हैं, कई एक घटनाओं को मैं जानता हूं, लोग तैयार होंगे तो उनके साथ में वीडियो भी करूंगा। तो पकड़ौवा विवाह पकड़ लेते थे, लठैतों की एक टीम होती थी, उनको निश्चित पैसा दीजिए और बता दीजिए कि इन्हें पकड़ करके लाना है, वह पकड़ करके लाते थे, शादी विवाह होता था, होती थी पंचायत, मान मनोवल के बाद फिर अब नियति का भाग मान करके पति समझौता कर लेता था और वर पक्ष के लोग मान लेते थे कि ठीक है यही हमारे भाग्य में थी, अगर हम नानुकुर करते हैं तो फिर वह लठैत आएंगे और लठिया देंगे। रविकांत सिंह नया नया फौज में भर्ती हुआ था, विवाह खोजने वालों को पता लग गया था कि लड़का फौज में हो गया है और रविकांत की बोली भी लग गई थी, उस परिवार ने कहा था कि रविकांत को पकड़ करके लाओ, हम इतना पैसा देंगे।
संयोग से भर्ती होने के बाद रविकांत अपने चाचा सत्येंद्र सिंह के साथ लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए गया था। उसी समय पकड़ौवा विवाह को अंजाम देने वाले बंदूकधारियों ने रविकांत को अगवा कर लिया। उनके चाचा सत्येंद्र सिंह को डांट डपट कर भगा दिया। वह अगर कुछ जबरदस्ती किए होंगे तो थोड़ा उनके साथ ठुकाई भी हुई होगी। वो अपनी जान बचा करके घर आ गए और आकर के बताया कि पकड़ौवा टीम ने रविकांत को पकड़ लिया है। उधर रविकांत बंदूक के साए में कुछ घसीटा, लोगों ने कुछ मारा, कुछ धड़काया धमकाया तो ले गए और 30 जून 2013 को मंदिर में वंदना से उनकी शादी करा दी गई। सत्येंद्र सिंह बताते हैं कि हथियारबंद लोग थे, हमें उन लोगों ने मारा पीटा घसीटा और ज़बरदस्ती लड़की के घर पहुंचा दिया जहां मंदिर में हमारी शादी कराई गई। जैसा पंडित जी ने कहा वैसा हम करना हमारी मजबूरी थी। रात भर रविकांत इस जुगत में लगा हुआ था कि हम कैसे इनके चंगुल से छूटें, क्या तरीका हो सकता है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं सब, हम कैसे भागेंगे, अगर भागते हैं तो हमारे जीवन को खतरा हो सकता है, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। चूँकि सत्येंद्र सिंह और रविकांत मोटरसाइकिल से गए थे पूजा पाठ करने और रविकांत को बंधक बनाकर उनकी मोटरसाइकिल भी बंदूकधारी ले गए थे, उस मोटरसाइकिल को रविकांत ने ही चलाया और पीछे बंदूकधारी बैठा हुआ था उसको कवर करते हुए। चाबी रविकांत के पॉकेट में ही रह गई थी, मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ा किया था। यह संजोग था कि उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान इसलिए भी नहीं दिया होगा कि अब भाग करके जाएगा कहाँ और हम लोगों ने तो कब्जा कर ही लिया है। भोर में जब वधू पक्ष के सारे लोग सो रहे थे उसी समय टॉयलेट करने का बहाना बनाकर रविकांत बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर जान बचाते हुए अपने घर पहुंच गया। शुरू हुआ पंचायत का दौर। बताते हैं वंदना कुछ दिनों के लिए रविकांत के घर भी आई लेकिन दोनों पक्षों में पंचायत के बाद थाना पुलिस और मुकदमेबाजी का दौर शुरू हुआ। फैमिली कोर्ट ने फैसला वंदना के पक्ष में सुनाया। फैमिली कोर्ट ने वंदना के परिवार वालों ने यह पक्ष रखा कि यह शादी जबरन पकड़ करके नहीं हुई बल्कि बातचीत के आधार पर संपन्न हुई। यह भी बताया कि रविकांत और वंदना में पहले से भी देखा देखी हुई थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करने के बाद यह परिवार रविकांत का परिवार भाग रहा है। अब यह मामला फैमिली कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट जाता है उच्च न्यायालय पटना में। रविकांत का परिवार उच्च न्यायालय पटना में इस आदेश को चुनौती देता है। उच्च न्यायालय पटना ने रविकांत के पक्ष में फैसला दिया और 10 साल पहले की गई शादी जो पकड़ौवा विवाह के तहत बताई जाती है उसको निरस्त कर दिया। वहीं वंदना के परिवार वालों ने अपने अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि हमारा वकील उस पक्ष से मिला हुआ था, जो सबूत और प्रमाण हमारे थे वकील ने उसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया। यह शादी किसी तरह की जबरदस्ती के आधार पर नहीं की गई है बल्कि बातचीत और दोनों लड़के और लड़की के परस्पर सहमति के आधार पर की गई है। दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि 2017 में रविकांत ने किसी लड़की के साथ शादी कर लिया जिसके बच्चे भी बताए जाते हैं। वंदना हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। फौजी रविकांत इस समय सेना के जवान के रूप में राजस्थान के जयपुर में अपनी सेवाएँ दे रहा है। अभी भी यह खतरा टला नहीं है, मामला पहुंचेगा सर्वोच्च न्यायालय। इस पकड़ौवा विवाह में सर्वोच्च न्यायालय का क्या डिसीजन आएगा, उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखेगा अथवा पलटेगा। पकड़ौवा विवाह अब बिहार में कम हो गया है लेकिन हजारों मामले प्रतिवर्ष अभी भी बिहार के विभिन्न थानों में दर्ज किए जाते हैं। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। पकड़ौवा विवाह पर आज का हमारा यह वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।